बैक टू माय चैनल। तो अभी सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पटैटो फेस पैक, यानी कि आलू का फेस पैक। सो अगर आपकी स्किन डल है, डस्की है, सांवला रंग है आपका, डार्क कलर है और आपके दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, तो ये वाला फेस पैक आपके लिए है। सो आज है हमारा सेकंड डे, 10 डे 10 फेस पैक का जो हमारा सीरीज चल रही है उसका सेकंड डे है। वैसे तो मैंने पहले सूट कर ली थी, बट आपको रेगुलरली 10 डेज में मिलेगी आपको ये। सो इसलिए कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि रोज़ की रोज़ ही तरह तरह के फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ फेस पे, ये मैंने 2-3 डेज के डिफरेंस पे एक वीडियो शूट की है, और बट मैंने सारे कंबाइंड करके आपको 10 डेज में कंटिन्यूसली मिलेंगी ये। तो विदाउट एनी डिले आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपने आलू में देख ही लिया होगा, वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा कि आलू में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपकी रंगत को निखारने के लिए, आपकी हेल्दी स्किन, स्किन वाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आजकल सब होममेड का यूज़ कर रहे हैं, होममेड की तरफ ही सबका रुझान है, चाहे वो कितने भी सेलिब्रिटी हो या फिर कोई भी हो, सब आपको होममेड का ही यूज़ करते हुए दिखाई देंगे। आजकल बहुत सारे स्किन केयर स्पेशलिस्ट जो कि आपको स्किन ग्लोइंग स्किन के लिए हैक बताते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े जिनके पार्लर वगैरह हैं, वो भी आपको इसी तरीके की होम रेमेडीज़ के लिए आपने देखा होगा, बिकॉज इनका जो वर्क है बहुत अच्छा होता है होम रेमेडीज़ का। ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, इसके लिए टाइम नहीं लगता है, एंड सबसे बड़ी बात इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो विदाउट एनी डिले आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं पटैटो फेस पैक, और ये हमारा फेस मसाज की तरह भी काम करेगा। हम 2-in-1 बना रहे हैं, इससे हमारे फेस की मसाज भी हो जाएगी, स्क्रब भी हो जाएगा, मसाज एंड स्क्रब प्लस फेस पैक, मतलब दो काम करेगा। आप चाहे तो इसको 3 भी काउंट कर सकते हैं, फेस मसाज, फेस स्क्रब एंड फेस पैक। तो विदाउट एनी डिले चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है एक नॉर्मल साइज का आलू, अगर आपको सिर्फ नेक पे और अपने फेस पे अप्लाई करना है तो ये इतना सा छोटा सा आलू बहुत है। फिर इसको हमें कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस इसलिए कर रहे हैं, वैसे तो आप इसके रस का भी यूज़ कर सकते हैं, बट कद्दूकस करने से इसको हम यूज़ करेंगे फेस पे, तो ये एज अ स्क्रब भी, एज अ मसाज भी वर्क करेगा, मतलब 2-in-1 इसके हमें बेनिफिट मिलेंगे। सो इसको हमने अच्छे से अभी कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हनी, जो कि हनी भी आपका जो रंगत है उसको निखारने में, सांवलेपन को दूर करने में हेल्प करती है। तो हनी को ऐड करेंगे हम इसमें। हनी ऐड करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे मलाई, आपको इस मलाई ले सकते हैं या फिर कच्चा दूध भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच यहाँ पर मलाई ली है। 2 चम्मच हम यहाँ पर ऐड करेंगे गुलाब जल, 1/2 चम्मच मैंने हनी ली थी। देन इसके बाद इन तीनों को मिक्स कर लेना है, और इसको कहीं भी फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे और ये इजीली मिक्स हो जाता है। आलू का जो रस है, आलू है, ये तीनों ही चीज़ जो है, हमने 3-4 चीज़ें बनाई हैं, ये अच्छे से मिक्स हो जाती है। एक बार आप इसको ब्लेंड कर देंगे ना चम्मच से, तो इतने में ही मिक्स हो जाएंगे। देन उसके बाद इसको आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका पटैटो फेस पैक बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरीके से फेस पैक बना लेने के बाद आपको अपने हैंड पे लेकर थोड़ा थोड़ा सा लेते हुए अपने फेस पे ऐसे मसाज करते हुए, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये मैसी सा लगेगा और बहुत मैसी हो भी जाएगा ये एंड तक, बट आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आपको रिजल्ट भी तो अच्छा मिलेगा ना। और मैसी तो हो ही जाते हैं फेस पैक, स्क्रब वगैरह आप करते हैं तो थोड़ा बहुत मैसी तो हो ही जाता है। तो आपको अप्लाई करते रहना है अपने फेस पे, और इसकी जो वो रहता है ना आलू का जो हमने कसा है, उसको इस तरीके से थोड़ा सा कोशिश करें चिपकाने की, और उससे हल्के हल्के से मसाज करें, ताकि इसमें हमने जो शुगर डाली है उससे आपका स्क्रब भी होगा, एंड इस तरीके से ये जो आलू हमने उसका रस जो होता है आलू का निकाल लेते हैं, सिर्फ उसको अप्लाई करते तो सिर्फ ये फेस मास्क फेस पैक की तरह वर्क करता, बट हमने उसको नहीं, रस के साथ साथ हमने आलू को भी इसमें मिक्स किया है, तो वो फेस स्क्रब फेस मसाज की तरह भी वर्क करेगा। तो ऐसे मसाज करते हुए आपको 3-4 मिनट तो करिए, एटलीस्ट 5 मिनट करेंगे तो बेस्ट रहेगा। देन उसके बाद इसको छोड़ देना है, लीव इट इन योर स्किन, इन योर फेस। आप फेस नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जहाँ पे भी आपको डार्कनेस डलनेस लग रही है आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर या फिर कोल्ड वाटर से आप फेस वॉश कर सकते हैं और आप देखेंगे एकदम चमकदार ग्लो अपने फेस में। और इसको आप डेली अप्लाई कर सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो 2 डेज में अप्लाई करेंगे तो और ठीक रहेगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 डेज में तो अप्लाई कीजिए, अदरवाइज डेली करेंगे तो बेस्ट है। 2 डेज में करेंगे तो गुड है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम वीकली 2 टाइम तो यूज़ कीजिए। तो ये आपको जो मतलब सनटैन जो भी आपकी इसने निखार आया आपके फेस में तो वो जैसे डल होने लगता है ना धीरे धीरे, तो तीसरे चौथे दिन आप इसे यूज़ करते रहेंगे तो वो फिर मतलब एक जगह स्थिर हो जाएगा, मतलब तो वो हटेगा नहीं। मतलब जैसे ही आपका आपको लगे कि आपका फेस फिर डल हो रहा है एकदम से दोबारा अप्लाई कर लीजिए। दूसरे तीसरे दिन तक 2-3 दिन तक तो ग्लो रहता ही है फेस पे नॉर्मली, उसके बाद दोबारा अप्लाई कर लीजिए तो फिर आपका जो ग्लो है वो रुक जाएगा, डल नहीं पड़ेगा। तो आई विश आप सब समझ चुके होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। सो ये थी आज की वीडियो और आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी यूज़ करना। यूज़ करने के बाद कैसे रिजल्ट रहे आपके साथ कमेंट में मेंशन करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना। अपकमिंग वीडियोस में मतलब 2 फेस पैक हमारे हो चुके हैं, इससे पहले मैंने बनाना फेस पैक बनाया था, अब 8 फेस पैक हमारे अपकमिंग डेज में आपको मिलेंगे। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।